गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं उपसर्ग का कुछ अभ्यास। अभी तक आपने यह जान लिया है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, यानी कि उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते, ना ही उन्हें हम वर्ण कह सकते हैं, वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं और उनके रूप में यानी कि अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं उनका अभ्यास, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की टेक्स्ट बुक का जो हमने ये अभ्यास कर रहे हैं, शब्द निर्माण वाला जो लेसन है उसमें उपसर्ग का अभ्यास पेज नंबर 52 पर आपको दिया गया है। पेज नंबर 52 पे ये जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं के अभ्यास हम करने जा रहे हैं। उसमें हम पहला वाला अभ्यास हमने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। इसमें आपको करना क्या है प्रश्न हम देख लेते हैं। शब्दों से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखना है, यानी कि आपको शब्द दे दिया गया है उसमें से आपको मूल शब्द यानी कि जो शब्द है वो अलग करना है और उपसर्ग जो उसमें शब्द में उपसर्ग जोड़ा गया है वो अलग करना है। और ये अभ्यास कराने का तात्पर्य क्यों है, क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि उपसर्ग हमेशा ऐसे शब्दों में जुड़ते हैं जिनका कोई अर्थ हो। कई बार आप शब्दों को ऐसे स्प्लिट करते हो, ऐसे तोड़ते हो कि उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर हमें शब्दों से उपसर्ग हटाते समय ध्यान रखना है कि शब्द और अर्थ जो उपसर्ग है उनका भी कोई तात्पर्य कोई अर्थ होना चाहिए। तो चलिए शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द दिया अत्याचार। अब यहाँ पर अत्याचार तो ये आप सोच के लिए सोच रहे होंगे कि अत्यधन आचार लिख देंगे, नहीं। यहाँ पर अत्य ये जो या वाला शब्द है जब हम देखेंगे विसर्ग संधि में भी आप पीछे पड़ चुके होंगे, संधि उपसर्ग वाले जैसे ही जोड़ने के ही नियमों पर आधारित होती है, इसलिए यहाँ पर उसी प्रकार के नियमों को देखते हुए जो अत्याचार शब्द है इसमें जो है उपसर्ग क्या है, अति है। अति यानी ऐसा अति, अति आप इसको अत्य नहीं समझिए। अत्य कब बन जाता है, जब उसे दूसरे स्वर के साथ मिलाया गया है। तो हमने लिखा अति धन आचार, अति धन आचार, तो क्या बन गया, अत्याचार। तो उपसर्ग हो गया अति और चार आचार हो गया उसका मूल शब्द। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, दुर्घटना। तो दुर्घटना शब्द में हमने क्या किया है, दुर्घटना ये तो हमें बोलने से ही पता लग रहा है, तो इसमें हमने उपसर्ग लगाया है दुर। अब दुर ये वाला होगा और आगे नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि वो आदाक्षर है, तो क्या हो गया दुर। और उसका मूल शब्द क्या हुआ, घटना, दुर्घटना। क्लियर, ये रा का तात्पर्य होता है कि ये आधा है और आधा शब्द जब किसी शब्द में जुड़ रहा है तो वो रा उसके ऊपर ही जाएगा। अब आ रहा अभिनय। अभिनय शब्द में अभी हमारा उपसर्ग नहीं, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाला उपसर्ग ये अभी और यहाँ पर नय, अभिनय, सिंपल शब्द। तो अब आप बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है निबंध। निबंध यानी कि जिसमें कोई बंद ना हो, सीमा ना हो, ऐसे लिखते ना हम। तो निबंध का तात्पर्य क्या होता है, बिना, नी यानी कोई सीमा नहीं हो, बंद यानी उसको कोई बांध नहीं सकता कोई सीमा में। तो यहाँ पर हो गया निबंध, नी उपसर्ग और शब्द क्या हुआ, हूँ बंद, निबंध। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, पराजय। जय, जय में हमने क्या जोड़ा है, परा। तो यहाँ पर हमें उपसर्ग क्या मिला हुआ है, परा, और यहाँ शब्द क्या हुआ मूल हमारा, जय। पराजय में कोई और उपसर्ग अगर हम जय में लगाना चाहें तो क्या हो सकता है, विजय, वी लगा सकते हैं विजय। तो विजय पराजय है, निबंध है। अब यहाँ पर हमने क्या देख लिया, अत्याचार में अति धन आचार अत्याचार, दुर्घटना में दुर धन घटना दुर्घटना, अभिनय में अभी धन नय अभिनय, निबंध में नी धन बंद निबंध, पराजय में पराधन जय पराजय, और एक अंतिम शब्द जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है वह है अवगुण। तो वो अवगुण शब्द में यहाँ पर क्या होगा, अव उपसर्ग होगा और गुण उसका शब्द होगा मूल, तो वो वाला अगला शब्द हो जाएगा अवधन गुण अवगुण। इस तरीके से आपका पहला अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में फिल कर लीजिए
और ये तरीका देख लीजिए, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, शब्द दिया जा सकता है और आपसे उसके उपसर्ग और मूल शब्द छाटने को कहे जा सकते हैं, या ये उपसर्ग देकर आपसे शब्द बनाने को कहा जा सकता है, या फिर आपको ये शब्द देकर यानी मूल शब्द देकर आपसे कहा जा सकता है कि इन मूल शब्दों में उपसर्ग लगाइए। इसी प्रकार के अभ्यास आपको दिए गए टेक्स्ट बुक में, हम एक एक करके आपको सारे अभ्यास करा देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मॉड्यूल देखते रहिए। टेक केयर, बाय।